भाई साहब ये देखो यार, अलग ही सीन लग रहा है यार। वो यहाँ पे इन्होंने आइस रिंग बनाया हुआ है पूरा, अंदर से ऐसी है, ये है गोल्ड क्लास। गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आपसे मैं आज काफी टाइम के बाद मिल रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है। मैं एक महीना से मैं किसी से मतलब मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, इतना काम था क्या बताऊँ। आज हम दुबई में हैं फिर से, अब दुबई में मैं शिफ्ट हो गया हूँ तो दुबई में रहूँगा। वैसे और भी हमारे घूमने के प्लान थे तो मैं और आपको घुमाऊँगा, बाकी अभी तक ये देखो अभी क्रिसमस का दौरान है, तो आज क्रिसमस ईव है 24th December। सामने को यार भी पूरे दुबई में कहते हैं धूप धूप रहती है, मैं तो बता रहा हूँ इस टाइम पे आप आओ दिसंबर जान के आसपास बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली कह रहा हूँ शाम के समय तो ठंड हो जाती है बढ़िया वाली, और मतलब बिल्कुल भी हम एसी वेसी नहीं चला रहे हैं। बाकी देखो यार क्लाउड देखो यार, ये लोग ना आर्टिफिशियल क्लाउड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और आर्टिफिशियल क्लाउड से क्या होता है बेसिकली आप वाटर सीडिंग करते हैं जिससे बारिश होती है यहाँ पे, वैसे होता नहीं है। पर सामने की साइड अगर आपको दिख रहे हो वहाँ पे एयरपोर्ट है, मैं एकदम सेंटर पे रहता हूँ, मैं अपना लोकेशन नहीं बताऊँगा बट ये एकदम सेंटर है। अगर किसी को पता है पगानी करके एक बहुत अच्छा फेमस डिज़ाइनर जैसी गाड़ियाँ भी है, ये उसी की बिल्डिंग है, पगानी ने डिज़ाइन करी थी। और सामने आपको जो घर दिख रहे हैं ये इमार ने नए घर इधर बनाए हैं, ये फ्लोटिंग हाउस हैं यहाँ, अलग ही लेवल पे यार, दोनों का अलग ही लेवल की प्लेस चल रहा है। बाकी ये राफ्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। बस आज मैं आपको विंटर कार्निवल दिखाऊंगा दुबई के अंदर कैसे होता है क्या है, आपने यूरोप का देखा हुआ है, अब आपको मैं पहली बार मिडिल ईस्ट की साइड का दिखाऊंगा कि मिडिल ईस्ट किस लेवल के ऊपर हो चुका है और क्या क्या इधर अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे देखने को मिली। यहाँ पे देखो यार देसी स्कॉर्पियो चल रही है इधर, हाँ ऐसा, और रोल्स रॉयस भाई महिंद्रा की स्कॉर्पियो, ये क्या तरीका है, इंडिया ही है। यार यहाँ पे कैब मिलना ना बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम है, आप नॉर्मल उबर उबर करोगे तो आप कम से कम 40-50 दिरहम आपके लग जाएंगे उबर करने के, और ये जो कैब जा रही है ना सामने से वो है मेन, वो देखो सामने से जो कैब आ रही है ना ये ऐसी होती है इधर की टैक्सी। अब ये करीम करके क्या आप उसको उस पर बुक करी होगी तो रुकेगी नहीं, अगर ये टैक्सी करके पूरा ग्रीन होगा तो ही रुकेगी। चलो अभी इसे खाली हो गए, अब हम इधर जा रहे हैं, यहाँ पे भी देखो टैक्सी कैमरी चलती है, भैया से पूछेंगे भैया चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे यार प्रॉब्लम है, अलग लेवल की यहाँ पे ना दिक्कत है। भैया जी फ्री हैं, आप क्या इंतजार कर रहे हैं? अच्छा चलो आ जाओ। यहाँ पे दुबई में देखो टैक्सी 5 दिरहम से मिनिमम शुरू होती है, अगर आप गाड़ी से उतर गए तो तब भी आपको यहाँ से चाहे वहाँ जाओ तो भी आपके 12 दिरहम लगेंगे, बाकी जो है वो आपके शायद 2 दिरहम है पर किलोमीटर है ना, अभी पैसेंजर लेके 7 दिरहम आ गया, उसने 10 दिरहम दिए मेरे को, बोला 3 दिरहम आपका, मैंने बोला 12 दिरहम दिया यार। हाँ 12 की थी लेकिन 12 लगता है मिनिमम चार्ज है ना 12। भैया आप कहाँ से हो? पाकिस्तान से, काबुल से। काबुल से देगा तो वैसे यहाँ पे यूजली सबके सब क्या कहते हैं जो है पाकिस्तान से होते हैं, पर काबुल में आपका कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, सही है सब कुछ, सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बढ़िया है यार, बढ़िया सीन है। सामने देखो यार यहाँ से अगर आप लेफ्ट ले लोगे ना तो दुबई मॉल आ जाता है, बुर्ज खलीफा आ जाता है। चलो भैया आप भी सब्सक्राइब कर दो यार, और आप लोग भी सब्सक्राइब करो चैनल को, मेरे को इतना पता है कि लास्ट वीडियो और इस वीडियो के बाद से ऑलमोस्ट 130 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए यार, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे मैं यूजली रील्स और रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो आप लोग ज़्यादा उससे कनेक्ट हो पाओगे मेरे से, और आप मेरा लाइफ स्टाइल और मैं कहाँ घूम रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। चलो आपको एक्सो सिटी में मिलते हैं दुबई, ये मरीना के पास है, ठीक है चलो मिलते हैं। यार ये देखो जाफ्जा फ्री जोन एकदम ही डेजर्ट एरिया आ गया है यहाँ पे, और सामने की तरह देखो एकदम से कितने सारे पेड़ आ गए, ऐसा लगे आप वियना में आ गए हो, इतने सारे पेड़ है भाई, और सामने की तरफ देखो एकदम ही ऐसे डेजर्ट है, ये आर्टिफिशियली अलग ही इन्होंने जन्नत क्रिएट कर दी यार। एक्सपो सिटी देखिए बहुत दूर है यार, ये सेंटर से 80 दिरहम देखो और 80 दिरहम लग गया, ऑलमोस्ट ये होगा आपके 40 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गया यार। आर्टिफिशियली सोचो दुबई को यार इन्होंने क्या बना दिया है यार, एकदम ही अलग बना दिया यार। ये देखो ये एरिया दुबई एग्जीबिशन सिटी, और क्या बनाया है इन लोगों ने यार, वो रशिया का एरिया उधर पूरा स्नो एरिया भी है, उन्होंने स्नो भी क्रिएट कर दिया है अलग लेवल पे यार, बहुत ही सही बनाया हुआ है इन्होंने। कैसा लग रहा है आपको
चलो यार चले जाएंगे देख लेंगे यार आप लोगों के लिए कर लेंगे। वो देखो वहाँ पे अपकमिंग ब्लॉगर वो भाई पानी में उसने अपना पूरा फोन डाल दिया डाल दो पानी में फोन भाई साहब ये देखो यार ये तो अलग लेवल पे नहीं लग रहा अलग ही सीन लग रहा है यार। यहाँ पे पहले बताओ ये आपको क्या लग रहा है फेक है या रियल बर्ड्स है अंदर भाई मुझे तो अब आप एक मिनट अगर पहले पॉज करके आप बताओ। आज मूड नहीं कर रहा इसे कल देखते हैं इस काम को भाई साहब ये सारा फेक है प्रोजेक्ट करा मुझे दूर से लग रहा है तो सच्ची में बर्ड्स है अंदर मैंने ना वो भाई साहब ये कैसे हो गया लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ यार और शक हो इस चीज को देख के यार मुझे मतलब क्रेजी लग रहा है ये जगह पूरी इतनी क्रेजी जगह लग रही है। देखो सामने गार्डन भी नहीं है सिंगापुर में वैसे उन्होंने ट्रीज वहाँ पे लगाए यार ये देखो यहाँ पे अलग अलग वो बने हुए शॉप्स बने हुए ऊद परफ्यूम्स आपका यहाँ पे कैफे है चिल सीन है मतलब रिलैक्स कर लो शेक्स है नॉर्मल जैसे यूरोप के अंदर होता है वैसा यार कॉफ़ी की स्मेल नहीं आ रही है कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है यार कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है कॉफ़ी लेते हैं यार ये देखो यहाँ पे इन्होंने आइस रिंग बनाया हुआ है पूरा और ये देखो पर आर्टिफिशियल स्नो आ रही है क्या बढ़िया है यार। और मैंने अभी यहाँ पे पॉपकॉर्न लिए हैं 15 दिरहम के थे पॉपकॉर्न 15 दिरहम आपका हो गया ऑलमोस्ट 330 रुपए और जो नाचोस थे वो थे अराउंड 35 दिरहम्स के। वो थोड़ा खाना यहाँ पे दुबई में मैंने देखा महंगा है बट इन जनरल ओवरऑल खाने की क्वालिटी आप उस हिसाब से कमाते भी हो सब कुछ करते हो तो उस हिसाब से मैनेजेबल है। यहाँ पे देखो जिप लाइनर भी है आइस स्केटिंग भी है और ये रॉक क्लाइंबिंग भी है इधर। ये देखो यार यहाँ पे पूरी फूड डिस्ट्रिक्ट आ गई है यहाँ पे स्टॉल लगे हुए कैप्टन पोटैटो हाउस ऑफ पॉप्स अलग अलग उधर सारे मीट्स मिल रहे हैं बारबेक्यू वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो सब ले सकते हो सामने मेरी गो राउंड है तो सब कुछ है यार इधर मतलब लिटरली अगर आप अपने बच्चों के साथ आओ फैमिली के साथ इधर आओ तो मतलब वर्थ वाइल्ड प्लेस है ये इधर आराम से 3-4 घंटे गुजार सकते हो सब। ये देखो ये बालकनी टाइप वो है यार एकदम ऊपर लेके जा रहा है ये इनसेन यार मतलब बढ़िया लग रहा है गार्डन इन द स्काई भाई पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा बट ये देखो यार फाउंटेन है भाई ये पूरा फाउंटेन है आगे तक आपको जो दिख रहा है पूरा फाउंटेन है। कैसा लग रहा था तेरे को ये एरिया क्या कह रहा था एक बार फिर से बोले एक बार फिर से मैदान इंडिया का देखो इससे दिल्ली को इतना बढ़िया ये बनाया वैसे है हमारा प्रगति मैदान भी रिवैम्प होके बहुत अच्छा हो गया बट ये इस चीज को कह रहा है ये प्रगति मैदान है दिल्ली का प्रगति मैदान ऐसा बन सकता है हाँ प्रगति मैदान को अब रिवैम्प कर दिया है। अल्पनार करके एक रेस्टोरेंट इधर खाना खाने आए हैं और क्योंकि यहाँ पे हमने इसलिए चेयर ली अपनी सीट ली है यहाँ पे 100 धर्म के एंट्रेंस आपको कैंडल्स पकड़ाए हुए अंदर लाइट शो होगा एक अलग लेवल पे क्रिसमस स्पेशल उसके लिए बैठे हैं मैंने थोड़ी बहुत आपको ग्लिम्सेस दिखा दूंगा एक्सपो सिटी की और बस फिर खत्म आगे बढ़ेंगे फिर हम आज रात क्लबिंग चलेंगे पार्टी करने चलेंगे। प्रधान द्वारा क्या मन है नॉटी टाइम एवरी टाइम तेज बोलो यहाँ पे हमारा माइक नहीं है एवरी टाइम मौज लो रोज लो ना मिले तो खोज लो शो स्टार्ट हो गया तो देखो यार बहुत ही बढ़िया लग रहा है इधर से तो यार ये देखो दुबई के हम मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गए यार क्या सही मेट्रो स्टेशन है इधर ना दुबई में दो टाइप आप मेट्रो के अंदर आप कार्ड बना सकते हो तो ऐसा ये सिल्वर कार्ड है और एक गोल्ड साइड होती है गोल्ड वाला जो होता है उसमें बेसिकली कम लोग होते हैं थोड़ा प्रीमियम होता है अलग कैबिन होता है एक ही डिब्बा होता है उसका और गोल्ड कार्ड ये है आपका और सिल्वर ये है अमीर है ब्रो ये अमीर लोग हैं हम गरीब लोग हैं अफोर्डेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोला जाए तो ये 2 धर्म में सिल्वर में आप जाते हो सेम डिस्टेंस और गोल्ड के अंदर आप 4 धर्म में जाते हो तो डबल द रेट है या 1.5 धर्म का फर्क है ऑलमोस्ट आपकी मर्जी आपको जैसे जाना है
पर यहाँ से एंट्री है। हमारी दिल्ली की मेट्रो भी अच्छी है, ऐसी है, लेकिन अच्छा लेकिन हाँ इतना अच्छा स्टेशन नहीं है, सिर्फ ये वाला स्टेशन अच्छा है, सारे स्टेशन इधर के अच्छे नहीं है। देखो बैलेंस 19 दिन लग गया, लेकिन हमारी दिल्ली की मेट्रो के अंदर सारी कनेक्टिविटी है, यहाँ पे दुबई के अंदर स्ट्रेट लाइन में चलती है, पर स्ट्रेट हाँ पर अच्छी है, स्ट्रेट लाइन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बढ़िया है भाई साहब। पर इन्होंने यार बनाया है, लिटरली बनाया है दुबई को, एयरपोर्ट लग रहा है, पूरा एयरपोर्ट है भाई, एयरपोर्ट से बेटर है। अब हम जा रहे हैं मरीना की साइड, अब आपको मरीना का व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे गेट्स है, हमारे भी अब इंडिया में ऐसे गेट्स आ गए हैं, ये वाले क्लोज डोर वाले, अंदर से ऐसी है, ये है गोल्ड क्लास, सिल्वर क्लास में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जैसे हमारी दिल्ली की मेट्रो होती है वैसी है। ये देखो ये हम आ गए हैं मरीना की साइड, दुबई का है मरीना एरिया, और ये है मरीना मॉल, अंदर की तरफ है पूरा मरीना एरिया, और वो एकदम सिंगापुर और कोई यूरोप जैसी फीलिंग देगा भाई, और बहुत ही प्यारा है, ब्लू एरिया पूरा बनाया है उन लोगों ने, वाटर मामा मिया अलोरा बुंजोर्नो अल पचिनो। तरफ जो आपको दिख रहा है वो सारा रेजिडेंशियल है, JVC जुमेरा विलेज सर्कल। तो यार ये है दुबई की ट्रैम सिस्टम है इधर का, एकदम यूरोपियन ट्रैम जैसी है, एकदम ही वैसी है, वहाँ की भी ऐसी है लेकिन थोड़ी सी नहीं है ये। यार ये देखो मैं आपको बोल रहा था ना, ब्लू कलर का है मरीना, कितना सही लग रहा है यार, पूरा स्काईलाइन दिख रही है दुबई की, और आपको पूरे अच्छे यूरोपियन वाइब्स आ रहे हैं, और ये जो है ना पूरा सी वाटर है, तुमने सी को ये यहाँ पे अंदर लेके आए हैं यार, यहाँ पे सारे यहाँ पे ऐसे कैफेज हैं, और यहाँ पे पूरा वॉक कर सकते हो, पूरा उधर तक कनेक्टेड है वॉक करने के लिए। आगे उधर सारी यॉट सिस्टम है, देखो यॉट्स खड़ी हुई है, भैया को एंट्री है यहाँ पे क्लब के अंदर जाने की। अबे साले हाई राइज बिल्डिंग है, सारी की सारी हाई राइज बिल्डिंग है, और मरीना में मेजरली इमार है, शोभा रियलिटी है, शोभा अपने इंडिया वाले जो है, और हीरा नंदानी भी इधर है मुंबई का, खुद का सबसे टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर है दुबई के अंदर, वो जगह है दुबई मरीना सर्कल सामने की साइड आपके, गाड़ियाँ पूरा यूरोप लगता है यार एरिया, हर गाड़ियाँ जो गाड़ी का नाम बोले इधर सब कुछ है। यहाँ पर बहुत फेमस क्लब है ब्ला ब्ला, उधर हम आए हैं दुबई का, और इनका सिटिंग के ऊपर भी सिटिंग है, और यहाँ पे देखो पूरा दुबई, इधर सामने बीच है और दुबई बीच के सामने आराम से बैठो, ब्ला ब्ला दोनों तो बेस्ट क्लब इन दुबई। उसके बाद फाइव पाम ये इधर है, यूजली ब्लाबला में हमसे एंट्री के मांग रहे थे, कम से कम कह रहे थे 3,000 दिरहम दो पर पर्सन, मेरे बंदे ने रिक्वेस्ट करी कुछ करा, मैंने 0 दिरहम दिए, एंट्री कह रही है अलग आर्ट पे जो मेरे को लेना मैं ले सकता हूँ, 500 दिरहम, अगर आप वैसे 300 से 500 दिरहम होता है मिनिमम स्पेंड आपका पर पर्सन, वो ईजिली आप अंदर कर दोगे, बट मेरे को अच्छी डील मिल गई, मैं फ्री में घुस गया, मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी कर दिया। सामने की तरफ आपको दिखना नहीं दिख रहा लेजर से करा रहा है वो भाई साहब, ऐसा लग रहा है एयर वो सस्पेंडेड क्या कर रहे हैं, उड़ क्या रहे हैं। चलो मैं आपको फिर अंदर से ब्ला ब्ला एक बार क्लब थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तब तक के लिए मैं आपको एंड में आपको ये दिखेगा अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। आपसे मिलते हैं अब हम फिर से अलग एक नए जगह पे एक अलग ब्लॉग में आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑल योर हेल्प। ये देखो इसको देखो क्या देखने जा रहा है भाई उधर, तू देखो आपको अंदर से क्लब दिखाता हूँ, अभी तो एकदम खाली है ये, बट बाद में आके क्या होता है पूरा ये एरिया हट जाता है, और पूरा एरिया हट के इधर आपका यहाँ पर सिर्फ पार्टी हो रहा है, क्रिसमस ईव है तो अलग लेवल की पार्टी होगी, 12 बजे अलग होगी। मैं आपको अभी ये जो सीन दिख रहा है ना, मैं आपको इसके बाद 12 बजे का सीन दिखाऊंगा, इधर 12-1 बजे का अलग ही सीन। A few moments later.